29 तारीख शाम का टाइम है। टाइम है आपका 4:20 होने वाले हैं। आजकल तो जल्दी शाम ढल जाती है, बहुत ठंडक हो गई है, दरवाजे भी बंद करती है सारे। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्रगति मैदान, जो को 27 को ख़त्म हो गया। हम रात को आए थे 10 बजे, कितनी बसें चेंज कर करके आना पड़ा। डायरेक्ट बस के लिए खड़े थे, वो आई नहीं, हार के बसें चेंज करके आना पड़ा। तो फिर 10 बजे घर पहुंचे थे। और अब जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्रगति मैदान से क्या क्या लेकर आए हम सामान। तो एक एक करके शुरू करते हैं कि कौन सा सामान इसके पापा की पसंद का था जो आया है, कौन सा मेरी पसंद का था जो आया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखो इतनी लंबी सी है, ये नाली साफ़ करने की होती है। अगर नाली में ब्लॉकेज हो जाए तो यहाँ से इसको ऐसे अंदर घुसा देते हैं और साफ़ करते हैं। ये शुरू में मैंने देखा था जब मैं घूमने गई थी, 150 की दे रहे थे उस समय। और इसके पापा ने जो थी, मेरे ख्याल से उन्होंने ली थी 24-25 को ले ली थी उन्होंने, 80 रुपीज़ में ली थी, ठीक है। 150 की थी, 80 में ली। ये नाली साफ़ करने के काम भी है, चलो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। और मैं दिखाती हूँ मेरी पसंद का क्या क्या आया, और दिखाती हूँ पहले वो दिखाऊँगी सामान जो मेरी पसंद का था, जो मेरी पसंद का नहीं मतलब जो उसके पापा को पसंद आया, ठीक है। कुछ सामान मैं दिखाती हूँ जो उसके पापा को पसंद आया वो दिखाती हूँ। तो एक तो मैंने कहा ये अंजीर लेकर आए हम, ये वाली ये अंजीर है, हाँ देखिए अंजीर लेकर आए हैं। ये देखो काफ़ी बड़ी बड़ी अंजीर है। ये जो अंजीर होती है ना, इसके 2-3 साइज होते हैं। तो शुरू में ये ना एक जगह मिल रही थी 2000 रुपये की किलो, एक जगह मिल रही थी 1600 रुपये किलो, मतलब साइज़ का फ़र्क था, क्वालिटी का फ़र्क था। और ये जो थी 2000 रुपये किलो वाली है, जो लास्ट मोमेंट में 27 तारीख को जब वो बंद हो रहा था उस समय इन्होंने 1000 रुपये की लिया ये अंजीर, ठीक है। तो ये घर में थी नहीं, क्योंकि क्या करते हैं तो कोटला से काजू बादाम वगैरह तो ले आते हैं, अखरोट काजू बादाम, अंजीर तो लाते नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ पे ना, ये अफगानिस्तान का स्टॉल था यहाँ पे, उसमें मिल रही थी ड्राई फ्रूट के। मैंने आपको बहुत सारे स्टॉल दिखाए थे, वही उन्हीं में से किसी एक में से ही मैंने लिया। तो ये चलो घर के काम ही आ जाएगी। एक ये लेकर आए हैं, ये 3 वेराइटी में है, देखो ब्लैक में है, ये 3 वेराइटी है देखो इसकी, ठीक है। तो ये है, ये पता नहीं समरस पाक कुछ ऐसा ही नाम था इसका। तो ये हलवा ही है, एक तरह से पेठे जैसे लगता है ना, पेठे का हलवा होता है, इसमें ड्राई फ्रूट डले होते हैं, कलर अलग अलग है जैसे, ये देखो वो है। हाँ तो ये जो है ना, ये शुरू में बेच रहे थे, ये मैंने पूछा था 400 रुपये का आधा किलो, ठीक है। बाद में तो एक 27 तारीख को ये कई जगह 300 रुपये भी बेच रहे थे, और लास्ट मोमेंट में 200 रुपये का आधा किलो बेच रहे थे। तो इन्होंने दिया 150 का, 150 रुपीज़ में आधा किलो, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको दिखाती हूँ, हाँ ये बाकी चीज़ें तो है ना, कनिका भी साथ गई थी तो कुछ वो भी पसंद कर रही थी लास्ट वाले दिन। तो उसने बोला मुझे मम्मी ये ले लो, मैं बताती हूँ आपको, ये नमकीन है, ये वाला नमकीन है 1 किलो का पैकेट। तो ये ना इस पर क्या लिखा है, मैं ज़रा लिखा पढ़ लूँ। इन्होंने कहा था ये शकरकंदी से बना हुआ है, ठीक है, स्पेशल टॉफी का चिप्स, ठीक है। ये लिखा है इन्होंने कि ये शकरकंदी से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये कह रही थी मम्मी ये हेल्दी है तो ये ले लो, तो मैंने ले लिया ये। हाँ तो ये जो था ना, ये क्या कर रहे थे वो 250 रुपये का एक पैकेट दे रहे थे, वाला 250 का 1 kg। तो एक ये पसंद आया कनिका को, तो हमने कहा चल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी कह रही हूँ मैं खोलने लगी हूँ, कहने का पहले वीडियो तो बना लेंगे। और एक ये वाला पैकेट, ये चावल के आटे से बना हुआ है, एक ये पैकेट लेकर आए। ये भी वही है 250 रुपये का 1 किलो। शुरू में महंगा बेच रहे होंगे, लास्ट में बेच रहे हैं 250 रुपये का 1 किलो। और इसके पापा ने क्या किया, दोनों मिला के 350 रुपये में लिए, ये दोनों मिला के, ठीक है। तो ये अब इसको संभाल के भी रखना है, इसलिए मैंने कहा पहले बना ही जाए वीडियो, तो सारे सामान को सही जगह पे सेट कर दिया जाए। तो चलो ये नमकीन भी आपको दिखा दिया, ये कनिका की पसंद का था। और मैं दिखाती हूँ मेरी पसंद का क्या क्या, इसमें दिखाती हूँ इसके पापा की पसंद का और क्या, वो भी दिखा देती हूँ ज़रा एक मिनट। तो इसके पापा घूमने गए थे जब अकेले, तब वो क्या लेकर आए थे, वो बड़ा सा बैग भर के लाए थे। मैंने सोचा बहुत काम की चीज़ें लाए होंगे, लाए क्या थे अभी आपको दिखाती हूँ। एक ब्लैक कलर का बड़ा सा बैग, एक ये ले आए कंबल, ये देखो ये कंबल है, ये बहुत सॉफ्ट सा है। पर मेरे पास सिंगल कंबल है, काफ़ी डबल कंबल भी हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। पर इसके पापा को बस वही है ना, जो उनको अच्छा लगे वो लाना है। तो ये क्या दे रहे थे, ये दे रहे थे वो एक 500 का था, दो कंबल लेकर आए हैं,
एक 500 का था बेच रहे, एक 700 का बेच रहे, मतलब 1200 रुपये में दो बेच रहे थे। तो इन्होंने कितने का लिया, ये तो एक कम्बल है मैं आपको दिखाई रही हूँ, और ये सिंगल बेड का है और ये साइज में काफ़ी बड़ा है, मतलब डबल बेड से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है आप ये समझ सकते हो। एक कम्बल ला के लेकर आए ये वाला, ये डबल बेड का है, ठीक है ये वो बेच रहा था 500 रुपये में, नहीं 700 में, टोटल दोनों मिला के थे 1200 में, पर इसके पापा ने लिए दोनों मिला के 600 में, वो भी 3-4 दिन पहले। लास्ट मोमेंट में ये कंबल जो थे बिक रहे थे 500 रुपये का, ले लो कोई सा भी सिंगल लो डबल 500 रुपये में। तो मैं इनको कह रही थी कि डबल तो चलो मैं बेडशीट की तरह बिछाऊंगी ये वाला, इसको सर्दियाँ आ रही हैं बेडशीट की तरह बिछाया जाएगा, और जो सिंगल वाला है ना उसको मैं कह रही थी उसको एक्सचेंज करके इसकी जगह डबल ले आओ, पर इसके पापा को पता नहीं ब्लैक कलर का इतना ही पसंद था, कह रहे हैं कि सफ़र में भी काम आएगा, रेलगाड़ी में जाना हो हल्का भी है उस समय काम आएगा, तो इन्होंने वापस नहीं करा, ठीक है। तो फिर मैंने इनको ये बोला था कि तीन इस तरह की अलग अलग कलर की और ले आते कंबल, वो एज ए मैं इसको बेडशीट की तरह बिछा लूँगी, पर कनिका ने कहा नहीं लेकर आना फालतू सामान तो उसने नहीं लाने दिया। सॉफ्ट तो बहुत ज़्यादा है, पर ये ज़्यादा ठंड नहीं रोकता, ये ना एसी की ठंड में हल्की फुल्की, जैसे एसी की ठंड हो ना उसके लिए है, सर्दियों के लिए मेन नहीं है, और मेरा एज ए बेडशीट की तरह काम आ जाएगा, या चाहूँ तो मैं इसको सिंगल बेड पे भी बिछा सकती हूँ, देखूँगी बिछा के अगर मेरे को अच्छा लगा तो, नहीं तो अभी आजकल तो मैं क्या कर रही हूँ एक छोटा कंबल सा लेके सोती हूँ, क्योंकि ठंड हो गई उसके ऊपर, ये इसके पापा ब्लैक वाला डाल देते हैं रोज रात को मेरे को, ठीक है तो ये हो जाता है इस तरह से। और दिखाती हूँ, जो कंबल है ना ये इसके पापा की पसंद के थे, उनको अच्छे लगे तो वो ले आए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी पसंद का क्या था, तो मैं अपनी पसंद का सामान दिखा देती हूँ। एक तो मुझे घूमते हुए ये पसंद आया था, ये देखो ये है ना, एक तरफ जाली लगी हुई है और एक तरफ इस तरह से है, अगर आप कुछ तल रहे हो, तलते चलते आपको कोई चीज़ उठानी हो तो इसको आराम से उठा सकते हो, या गर्म पानी में कुछ बॉयल कर रहे हो उसको उठाना हो तो आराम से उठा सकते हो, क्योंकि एक तरफ छाननी है ये देखिए, एक तरफ छाननी है और एक तरफ स्टील का है। ये ना दो क्वालिटियों में आ रहा था प्रगति मैदान में, एक तो था कि हल्का स्टील था बिल्कुल, 150 में दे रहे थे, तो मैंने सोचा था लास्ट वाले मोमेंट में लूँगी, फिर हालों में घूमते घूमते मुझे ये दिख गया था जो हैवी क्वालिटी का है, मतलब इसका ये स्टील हैवी है, ठीक है वो बहुत हल्का था, तो वो जो था ये दे रहे थे 399 यानी कि 400 रुपये का ये वाला, ठीक है। और लास्ट मोमेंट में भी मैंने जिस दिन लास्ट 27 को गई उस दिन भी पूछा, वो 150 का ही बता रहे थे और ये 400 का ही बता रहे थे, बताओ अब मेरे को लेना था, मैंने पापा को बोला लेना है मुझे, कम भारी नहीं तो कम से कम हल्का ही ले दो, तो उन्होंने फिर ये लेके दिया, पता कितने में, 200 में, वो बार्गेनिंग कर लेते हैं अच्छी हमसे नहीं होती, वो तो कर लेते हैं, ठीक है तो ये 200 में आया। इसके अलावा और क्या लिया, अब मेरी पसंद की और क्या चीज़ मिली, वो तो चलो मेरी पसंद की थी मेरे को लेनी थी, वो सस्ती भी थी तो ले दी इन्होंने। अब ये देखो ये कढ़ाई लेकर आई थी, काफ़ी हैवी है, ये लोहे की कढ़ाई है, ठीक है मेरे पास ना लोहे की कढ़ाई नहीं थी, मेरे पास स्टील की कढ़ाई थी, एलुमिनियम की कढ़ाई थी, लोहे की कढ़ाई नहीं थी, है भी थी तो इतनी बड़ी कढ़ाई थी वो इनकी मम्मी के टाइम की, तो मेरे पास छोटी सी कढ़ाई नहीं थी। अब ये जो थी ना लोहे की कढ़ाई, इसका रेट था ये साइज बड़ा है, जो मैंने वहाँ पसंद की थी वो इससे आधे साइज़ की थी, छोटी थी, इसमें भी ना तीन साइज आ रहे थे, एक सबसे छोटा था, एक सबसे थोड़ा बड़ा, ये तीसरे नंबर का साइज था, तो क्या हुआ कि इसके तो वो जो सबसे छोटी वाली थी ना वो दे रहे थे 400 रुपये में, और ये जो जैसा थर्ड नंबर का साइज है ये मतलब बड़ा है ठीक है, तो ये कह रहे थे इंडक्शन में भी चल जाएगी, क्योंकि नीचे का ये देखो सेम है समतल है ना, तो इंडक्शन में चल जाएगी, तो फिर ये वाली ले ली, ये 500 की ली है इन्होंने मेरे ख्याल से, हाँ ये 500 की आई है, दे तो महंगी दे होंगे, 500 की ली है, तो ये अच्छी है लोहे की कढ़ाई, इसको कहते हैं जब यूज़ करोगे ना धो के रखते हो, सर्फ वाला जैसे होता है ना नायलन का झाबा होता है उसमें सर्फ लगा के हम जो विम बार लगा के देते हैं वैसे धो के, तो सूख जाए तो ऑयल लगा के रखना है इसको, ठीक है। तो ये भी चलो मेरी किचन में जाएगी, अब छोटा मोटा काम इससे ना शरीर, इसका यूज़ करने से फ़ायदा ये है कि इससे शरीर में अगर किसी के आयरन की कमी हो वो दूर हो जाती है। ये लोहे की कढ़ाई अच्छी है, छोटी भी है, क्यूट भी है, और दिखाती हूँ, ये देखिएगा ये पेड़ लेकर आई हूँ, बड़ा साइज है देखो, ये जो था ना ये भी जब भी मैं प्रगति मैदान जाती थी ना तो ये मुझे बड़े पसंद आते थे, जो मुझे पसंद आता था ना वो इस समय दिखाई नहीं है, पर ये जो है ना इसमें छोटे बड़े साइज आते हैं और ये सबसे बड़ा वाला साइज है, तो मैंने सोचा ये बड़ी दीवार पे लगेगा तो अच्छा लगेगा, ये एलुमिनियम का है, इसके आगे ये वाली पेंट करी हुई है और पीछे ब्लैक कलर की हुई है, देखो पीछे ब्लैक कोटिंग है और आगे गोल्डन वाली कोटिंग है, ये बड़ा बहुत बड़ा सा है ये देखो इतना बड़ा था है ना, तो ये दीवार पे लगा हुआ बहुत अच्छा लगेगा, तो मेरे को बड़ा पसंद आता था जब भी मैं प्रगति मैदान घूमती थी ना पहले जब भी जाया करती थी, जब भी शादी के बाद जाया करती थी, हर साल के साल में एक ही बार लगता नहीं बड़ा वाला, तो ये मुझे बड़ा पसंद आता था, मैं उसको देखती जाती थी, उसके पापा को भी लेके ही नहीं देते थे,
वो कहते हैं क्या आया है, बेकार है, ऐसा है, क्या करना है ना। लेकिन देखिए इस बार पता नहीं कैसे दे दिया। इस बार एक तो कनिका भी साथ थी, तो उसने शायद पापा को पटाया होगा, तो इसके पापा ने मुझे ले दिया। ये पता कितने का दे रहा था, ये बताती हूँ मैं आपको। हाँ, तो इसका प्राइस जो था, जब शुरू में मैंने पूछा, जब मैं इनके साथ घूमने गई, तो ये दे रहा था 2,500 का, ठीक है। और उसके बाद इसके पापा उस दिन बार्गेनिंग करते करते 1,400 पे आ गए थे, ठीक है। लास्ट उसने 1,400 बोल दिया था, और ये अड़े थे कि मैं तो 1,200 में ही लूँगा, और उस दिन नहीं लूँगा मैं, लास्ट में 27 तारीख को ही लूँगा। और इसी के लिए वो हॉल नंबर 5 में भागे थे लेने के लिए कि मैं तेरे को पेड़ ला के देता हूँ। और ये पता है इन्होंने फिर 1,200 में लिया है। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है ना, दीवार पे लगा हुआ, कितना प्यारा लगेगा ये। मैंने कई घरों में लगा देखा है, और ये अच्छा भी लगता है, सुंदर सा। तो ये एक मेरे को पसंद था जो इन्होंने इस बार लेकर दिया। इतना भारी है, मेरे हाथ से छटक रहा है। चलो मैं इसको साइड रख देती आती हूँ। एक मेरी पसंद की चीज़ है जो महंगी थी, जिसको जो मैं हर साल के साल देखती थी, लालची निगम। उसके पापा की मेरे को उम्मीद नहीं थी कि लेके देंगे, वो लेके देने को तैयार ही नहीं थे वैसे भी। लास्ट मोमेंट में जब 27 तारीख को शाम को मेरे 6:30-7 बज रहे थे, तब वो वही हॉल नंबर 5 में गए, और तब पता नहीं मेरे को लगता था 95% दुकान बंद हो चुकी है उस समय। तो मैं बाहर बैठ के चाय पी रही थी ना, उससे मैंने कहा भी था इनको कि जाओ चले जाओ, मिलनी तो है नहीं। कारण यह था कि सारा तकरीबन बंद हो रहा था, पैकिंग हो रही थी लोगों की, और इस सामान की भी पैकिंग हो गई, मैंने मेरे को लग रहा था हो गई होगी, तो ये पैकिंग नहीं हुई थी, कुदरती ये दुकान खुली हुई थी, तो उन्होंने खरीद ही लिया इसको भी। तो चलो इसमें मैं दिखाती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ थी जो मुझे पसंद थी। ये दिखाती है ना इसको, इसके अंदर बंद कर रखा है इसके अंदर। ये देखो कितनी प्यारी लाइट है। इसको यूं यूं लगाइए, लगेगी इसके 3 ये हैं, ये अभी थोड़ी उलझी हुई है, इनको ठीक करना है, ऐसे लटकाने वाली लाइट है ये, ठीक है। ये लाइट जो है ना, जब इसके अंदर बल्ब जलेगा ना, जो बहुत ही प्यारा लगता है। ये पसंद तो कनिका ने किया, ये ना बाहर की, अफगानिस्तान की, पता नहीं थाईलैंड की लाइट है ये। ये स्टॉल सारे प्रगति मैदान में सबसे सुंदर स्टॉल होता था, लोग इसकी बहुत इसके साथ सेल्फी खींचते हैं वहाँ पे खड़े होकर, इस स्टॉल के आगे खड़े होकर। और मतलब ये बहुत अलग अलग रेड कलर में, ब्लू कलर में लाइटें होती है, मैंने अपनी वीडियो में दिखाई भी है वो उसमें। तो ये वो बस था कि ये कुदरती खुला हुआ था। और ये वाला जो मैंने पसंद किया था, वो तब दे रहे थे 3,000 रुपये का एक पीस। हाँ, तो वो जो लाइट मैंने इसमें पसंद की थी ना, वो आ रही थी उस समय 3,000 रुपीज़ का एक पीस, ठीक है। वो साइज़ छोटा था, और मैंने कहा सोचा था कि दो लूँगी, अलग अलग कलर की, अलग अलग जगह लगाऊंगी घर में, और 5,000 में दो देते। वो मान भी गए थे उस दिन, जिस दिन मैंने पसंद करी थी उस दिन वो कहते 5,000 में दो मिल जाएंगी। अब ये जो लाइट थी ना, इसका साइज है बड़ा, ये इन्होंने बेची है 4,000 रुपये का एक पीस, 4,000 रुपीज़ का एक पीस बेचा है। और इसके बाद में थोड़ा सा 3,000 रुपये आ गए थे, पर लास्ट में जब इसके पापा जी वो गए 7 बजे के करीब 27 तारीख को, तब उन्होंने इसको कितने में लिया, तब वो 2,000 में दे रहे थे। और तब इसके पापा कहे 2,000 से वो 1,500 में आ गए। उसके पापा कहते मैं तो 1,000 में लूँगा 4,000 की लाइट 1,000 रुपये में ली है उन्होंने, और मैं खुश हूँ कि लाइट मिल गई मेरे को। अब इसको लगाऊंगी तो अच्छी लगेगी, दिखाऊंगी जब लग जाएगी। तो इसके अंदर बल्ब अभी हमें अपना लगाना पड़ेगा, फिलामेंट वगैरह जो अंदर का होता है वो अपना लगाना पड़ेगा। और इसका ये जो नीचे का ब्रास का है, ये वाला, ये ब्रास का, ये इसको तो आप धो सकते हो, ये वाले कांच को, इस ब्रास में पानी नहीं टच होना चाहिए। इसको कहा था उसने ऑयल लगा, सूखे कपड़े पे ऑयल लगा के इससे साफ़ करना है इसको, मतलब इसको पानी टच नहीं करवाना इसको, नहीं तो ये इसकी ख़राब हो जाएगा ये ब्रास। तो बस ठीक है, चलो ये तो हुआ भी मेरी लाइट, जो मैं ना पता नहीं 10-12 सालों से इन लाइटों पर निगाह डाल के बैठी हुई थी। अगर मुझे बड़ी पसंद आई तो अगले साल एक और ले लूँगी, अगर पसंद आई और अच्छी लगी और जगह भी एक अच्छी मिल गई मेरे को। तो पिटारे में से अगला सामान निकालती हूँ, ये डिब्बा है, ये देखो डिब्बा, इस डिब्बे में से क्या निकलेगा अभी आपको दिखाती हूँ। एक मैं नई चीज़ लेकर आई, वहाँ मैं घूम रही थी ना, तो मुझे क्या होता कई जगह वो लाइट वाले लैंप होते हैं छोटे छोटे, तो वो मुझे बड़े पसंद आते हैं। तो क्या करती थी, हर साल भी एक साल में उस दुकान पर भी रुक जाया करती थी। बड़े प्यारे प्यारे लाइट होती थी, मतलब टेबल लैंप टाइप के, उसमें ना महात्मा बुद्ध के फेस वाला भी होता था बहुत अच्छा, वो मेरे को बड़ा पसंद आता था। मैंने कईयों के पास देखा भी है वीडियो में, है लोगों के पास। तो मैं सोचती थी नाइट बल्ब की तरह जैसे जला लो, महात्मा बुद्ध का फेस दिखता है उसमें, बहुत क्यूट लगता था। तो उसी दुकान पे ना एक ये था, ये वाला लैंप था, ये थोड़ा ना अलग हटके था, मतलब कि ये अलग ही था कुछ पीस। तो मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये क्या, बताती हूँ मैं आपको क्या है ये। ये देखिए, ये है, ये साल्ट वाला लैंप है, हिमालयन रॉक साल्ट। तो उन्होंने बोला था हिमालयन रॉक साल्ट है, और कई दुकान वालों को इसका क्या फ़ायदा होता है ये भी नहीं पता था। तो ये ना कई 2-3 दुकानों पे देखा हमने। तो वो क्या होता है, इसमें वेट का हिसाब होता है, छोटा साइज आता है, बड़ा साइज आता है। तो मतलब कि ये हिमालयन साल्ट है ना,
दो किलो का भी होता है, चार किलो का भी, छः तीन किलो का भी आता है, छः किलो का भी आता है, आठ किलो का भी आता है, उसी हिसाब से इनका प्राइस अलग अलग होता है। तो हमने जो मैंने पसंद किया था वो था 4 किलो का, तो ये 4 किलो वाला है, नहीं वो 3 किलो का था जो मैंने पसंद किया था, तो ये उससे बड़ा साइज है, ये 4 किलो का है, तो ये 4 किलो का इसको एज ए नाइट बल्ब, ये देखो इसके तार भी लगी है, इसके अंदर बल्ब भी लगा हुआ है, उसको रात को नाइट बल्ब की तरह जलाते हैं। और इसके क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बाद में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर और दिखाऊंगी, क्योंकि इसको पहले जो मैंने ख़रीदा ना वो नॉर्मल लैंप समझ के ख़रीदा, कि ये ना मेरे को जलता हुआ बड़ा अच्छा लग रहा था, वहाँ पे जला रखा था उन्होंने बहुत सारे नाइट बल्ब के साथ ही जला रखा, तो ये अलग चीज़ थी तो मैंने ले लिया। फिर घर आके जब मैंने इसका सर्च किया तो इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं वो फिर मैं बाद में बताऊंगी आपको अलग वीडियो में, इसको मैं भी आपको जला के दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। ये देखिए ये जलता हुआ कितना प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छी रोशनी देता है, इसमें भी ना थोड़ा थोड़ा कलर का फ़र्क होता है, इसे कहते हैं हिमालयन पिंक पिंक साल्ट लैम्प। अब इसको देखो अगर मैं लाइट के बिना जलाऊंगी तो ये रात को कितना प्यारा लगता है, सुंदर लग रहा है ना इस तरह का। ये थोड़ा सा अलग ही चीज़ थी ना लाइट बल्ब की ना, तो इसको जो है आपको बताऊंगी इसकी पूरी एक अलग से वीडियो बना के। इसको भी बंद कर देते हैं। ये देखिए एक चीज़ ये लेकर आए मसाज कुशन है, ये लेकर आए हैं, इसको मैं ऑन करके दिखाती हूँ। इसको यहाँ से ऐसे ग्रिप से मैंने लगा रखा है, इसको मैं ऑन करती हूँ, पीछे से यहाँ से ऑन होगा, यहाँ से एक मिनट। ये देखिए इसके अंदर इस तरह से प्लास्टिक की होती हैं और इस तरह से मसाज करता है। ये जो तीन तीन वाली है ना, इसको नीचे की साइड रखते हैं, ये मैंने गलत रख दिया, इसको तीन और एक मिनट इसको ऐसे रखते हैं, ये देखिएगा ऐसे। तो मैंने इसको कल भी यूज़ किया था, परसों भी यूज़ किया था। ये नीचे जो है आपकी स्पाइन कट दिए ना, नीचे की साइड आना चाहिए इस तरह। इससे सिर्फ आप यही नहीं कर सकते मसाज कर सकते, आप इसके टांगों की भी मसाज कर सकते हो, हाथ की भी कर सकते हो, तो ये आप कोई भी मसाज करते हो। अब ये देखो ये नॉर्मल घूम रहा है ना, इसका पीछे एक बटन है, उसको दबाएंगे, एक मिनट दबा के आती हूँ मैं, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए पीछे से दबाया है, दो बार दबाना था, एक बार प्रेस करो तो इसकी ग्रीन कलर की लाइट आती है इसमें, और ये जो है इस तरह, ये ना ये देखिए अपने आप ही, इसको 15 मिनट तक यूज़ करना होता है, उसके बाद इसको ब्रेक देना होता है, कम से कम 15-20 मिनट का ब्रेक देना ही होता है, नहीं तो ये गर्म हो जाएगा वहाँ से और फिर ये जग खराब हो सकता है, जल सकता है। ये देखिए ऐसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, ये ऐसे घूम रहा है ना ये, उसके बाद अपने आप कट हो गया और दूसरी तरफ से घूमेगा इस तरह से, आपकी पीछे स्पाइन का मसाज करता है ये वाला, इसको मसाज कुशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रेड लाइट से क्या होता है, इसको गर्माहट आती है, पर मैंने तो हाथ लगा के देखा ये गर्म नहीं होता है, ये देखो बस इसका कलर ही चेंज है, गर्म नहीं होता ये, तो ये अच्छा लग रहा था मुझे, तो मेरे को मतलब ठीक है, मैंने देखा था इसमें कई कलर थे, मतलब इसमें साइज अलग अलग थे, हैं छोटा सा साइज बड़ा साइज, ये वाला जो था ये दे रहा था 4,500 रुपये में, और जिस दिन मैंने पूछा था 2-3 दिन पहले तब वो लास्ट आ गए थे, फिर इसका चेंज हो गया। इसका ये कलर चेंज होने का मतलब है कि इसके डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, अगर रेड लाइट हो तो ये अलग तरह से घूमेगा और ये ग्रीन लाइट हो तो अलग तरह से घूमेगा। देखो अपने आप हुआ, मैंने इसको कुछ नहीं करा, एक फिक्स टाइम के बाद ही अपने आप ही इसके डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये क्या है कि ये अलग अलग साइज में था तो उसके हिसाब से उसका रेट था, ये 4,000 का दे रहा था और उस समय लास्ट आ गया था 4,500 में दे रहा था, 3,000 पे आ गया था। और अब उस दिन 27 तारीख को मैंने देखा कोई आदमी ने इसको ख़रीदा हुआ था, लड़के ने तो उससे पूछा कितने का लिया, कहता है मैंने लिया है 3,500 का। मैंने कहा हैं, मुझे तो लास्ट 3,000 बताया था। अब इसके पापा कहते लेना है कि नहीं लेना, लेना है कि नहीं लेना, कनिका तो कहती मत लो। फिर मैंने कहा चल ले ही लेते हैं, इसके पापा ने इसको लिया बार्गनिंग करके 2,600 में लिया है, तो मैंने कहा चल घर की एक चीज़ बन गई, आगे काम भी आया करेगी, ठीक है। तो ये बस ये इस तरह का सारा सामान दिखा दिया, ये सारा दिखा दिया आपको, अब इसको सबको सही जगह पे रख देते हैं। देखो सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है मेरा, ये देखो, ठीक है ना, अब इसको सारों को सही जगह पे लगा देती हूँ। ये यहाँ पे ना इसके पीछे ये नहीं रखना, ये देखो अपने आप कलर चेंज हो गया। तो ये क्या है ना, इसको ये गजिए पीछे तो तकिया रखा है वो नहीं रखना, क्योंकि मैंने तकिया रख के ऐसे किया ना तो ढंग से मसाज नहीं हो रही थी। तकिया हटा के आप इसको कुर्सी पर लगा लो वो ज़्यादा बेटर है, या तकिया हटा के इसको सीधा रखो और फिर मसाज करो, ठीक रहेगा। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ और उसी के साथ मैं वीडियो भी बंद कर देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ। आपको ये सामान अच्छा लगा हो तो मेरे को जो है इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, आप सब्सक्राइब के बटन को दबाएंगे, बेल आएगी, बेल को दबाएंगे, ब्लैक बेल को दबाएंगे तो वीडियो जो है आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, फिर आने वाली हर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं हम बाय बाय। Oh, 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 oh